कैद के बाद शायद बाल कम भी हो जाए, आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज आप वी लॉग बनाइएगा, आप वी लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा लो, झूठा मसाला मसाला लगाएगा, जरूरत पड़े तो शाम का लेना, पैसे कम पड़ जाए तो वो भी मुझसे ले लेना। सवाल आपसे ये कि आप वी ब्लॉग में जो मेरे लिए चीजें कर रहे हैं उनको आज दो घंटे के लिए करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करें, आप सवाल का जवाब आप आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? मतियुल्लाह जान साहब, बड़े फेमस आदमी, आप आज वी ब्लॉग बनाएंगे और वी ब्लॉग के अंदर आप मसाला लगाना कम पड़ जाए तो मुझसे ले लेंगे। उसकी बुनियाद आज आप लोगों ने खुद सुनी है कि वो कितने जबरदस्त थे या नहीं थे, वो आपने खुद बताया। जजेस को सेटिस्फाई करना दोनों पार्टीज का काम है, दोनों पार्टीज काम करेंगी, हमेशा फतह सच की होगी और अल्लाह का शुक्र हम अपनी जगह पे खड़े वहीं खड़े रहेंगे, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ना हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ना हम किसी के बारे में कोई बात करेंगे, हमें पता है कि इंसाफ हर तरीके की जगह से बिल्कुल सही और सच्चा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, हमेशा सच की फतह होती है, अल्लाह से जब आप मांगें, अल्लाह के तवक्कुल से आप चलें तो हमेशा आपकी फतह होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का भी कि वो बिल्कुल तरीके से सुन रहे हैं दोनों पार्टीज़ को। और ये जो इनके पीछे जो पीडीएम के सियासी लवारिस हैं, उन सियासी लवारिसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस इन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन इनके हमेशा पहले गलाई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा इनको। एक और मैं उसको मशवरा देता हूँ कि अब खामखा अपना सोच या अपना गुस्सा जो है वो किसी के ऊपर इम्पोज न करे। अब अगर पहले दिन से वो सब को सुनते और सब एक पॉइंट पे जमा होते या कौम के लिए उसने कोई तहरीक उठानी थी तो मैं समझता कि वो कामयाब हो जाता। अब ये है कि अब भी हम इस्तीफे देंगे तब मार्च करेंगे। ये मज़ाहमत करा है मपाहमत। पहले जितने भी मार्च हुए इसमें किसने इस्तीफे दिए? तो अब ये जो जिस तरह मंतिक वो बना रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर ठीक बनाए तो लोग समझेंगे। और इसके साथ इस्तीफे जमा करो तो पीपल पार्टी ने कहा हमारे पार्लिमानी अपने पार्लिमानी लीडर के पास जमा करो। मौलाना साहब ने कहा मेरे जेब में है, अब अगर उसके जेब में है तो ले आए, सामने ले आए, नहीं है तो फिर वो पीपल पार्टी को इख्तियार है। अब वो इसको हम धोखा नहीं कह सकते कि वो उसने धोखा किया, इसलिए उसका अपनी पार्टी है, उसका अपना फैसला है, उसने दबे अल्फाज में मीटिंग में सारी चीज़ों को सामने लाकर अब जिसके पास कोई हुकूमत नहीं है वो कहते हैं शाबाश इस्तीफा दे। मौलाना कोई मशवरा देंगे यार? मैं मशवरा किसको दे दूँ? मौलाना साहब को। अब मौलाना साहब को मैं मशवरा ये दूँगा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम का पहला वाला जो स्टैंड था, जो नरम था, जमहूरी था, आइनी था, कानूनी था, इदारों के साथ था, पाकिस्तान के साथ था, बाकी पार्टियों के मौकफ का, समझता हूँ कि पीपल पार्टी स्टार्ट से इस्तीफा के ख़िलाफ़ है। वो दबे अल्फाज में पीडीएम का ख्याल रखते हुए अगर बात करते हैं, वो अपने पार्टी के इख्तियारमंद हैं, उसकी एक सूबे में मजबूत गवर्नमेंट है, वो अपना सोच के वो किस तरह कुर्बानी देंगे? आप उसको कहेंगे कि यार एक सूबे का हुकूमत छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, जिसके पास कुछ नहीं है वो नहीं देते, जिसके पास इतनी हुकूमत है, इतनी अक्सरियत है, अभी उस सेनेट में उसकी अच्छी पोजीशन है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? और फिर जो है वो मौलाना साहब खुद नहीं दे रहे, मतलब वो अब पहले तो सारे पीडीएम का जो फैसला था अभी वक्त है, और इसके बाद जब इलेक्शन होगा या मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा वो जमीयत उलमा इस्लाम पहले क्लियर होगा तो तब होगा। अब दरमियान में नाम तब्दील करें एक बंदे की दरख्वास्त से, ये मुनासिब नहीं, ये कोई कानूनी वो सियासी सवाल कर लेते हैं, मौलाना चैलेंज करेंगे नहीं? वो असल में बात जो है उसने फैसला जो है वो अभी नहीं सुनाया, फैसला नहीं सुनाया, न इतनी जल्दी सुना सकता है। अब जो उसने हमने बात की और पहले दलाइल पेश किए, हमारे वकील ने जो बहस की, इसके बाद फैसला होगा तो फिर हम सोचेंगे कहाँ जाएंगे, किस तरह होगा। अच्छा सर, इससे पहले जो टिकट जारी किए गए हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फेस से जारी हुए हैं 2018 के इलेक्शन में? सिर्फ टिकट नहीं, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो फा से हुआ है, यहाँ जो जमा है सारे टिकट, उसके फोटो कापी, उसके समारा पार्लिमानी, वो सारा इफ पे हुआ है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2018 कानून जो है वो कानून, ये जमीयत उलमा इस्लाम तो जमीयत उलमा हिंद का तसलसल है, जो 2002 तक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान था, अब जमीयत उलमा इस्लाम इफ जो 2002 में 2020 मार्च तक इफ पे चलता है। अभी एक दरख्वास्त की वजह से, एक बंदे की दरख्वास्त की वजह से पार्टी को कोई और नाम
कोई भी नहीं दे सकता, उसका एक प्रोसेस है। हमारा दरख्वास्त ये था कि ये हमारा दस्तूर है, ये हमारा प्रोसेस है, इसी तरह जो है वो तब्दील हो सकता है, इसके अलावा तब्दील नहीं। वो फैसला करेगा कि पार्टी का नाम क्या होगा, वो तब्दील कब होगा, इस किस्म का कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो है वो 20 साल तक इफ चला, अब जो है वो, और इसमें बार बार मौलाना साहब के लेटर पे भी उसका रजिस्ट्रेशन है और सब कुछ है, लेकिन अब जो है उसको किस तरह यानी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बनाया गया, ये हमारा दरख्वास्त का है और इस पर बात भी हुई और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि दरख्वास्त जमा किया था इस हवाले से कि 2020 पे जो जमीयत उलमा इस्लाम का नाम तब्दील हो के जमीयत उलमा इस्लाम इफ से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बन गया, तो किस तरह बना। एक बंदा उसमें दरख्वास्त करता है कि इसमें सीन हटाओ, पाकिस्तान लगाओ या पाकिस्तान नून फा ख़त्म करो, ये करो। तो एक बंदे के दरख्वास्त से किस तरह वो पार्टी का सारा, पार्टी का एक दस्तूर हमारा है।